जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेम फिटनेस क्लब पर। तो दोस्तों, अगर आप तेज दौड़ना चाहते हैं तो भला स्टेमिना को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जब आपके अंदर स्टेमिना नहीं होगा तो आप ना तो तेज दौड़ पाएंगे, ना ही आप किसी भी काम को ज्यादा देर तक कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेमिना बढ़ाने के 8 बेस्ट टिप्स, जिन्हें आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप अपना स्टेमिना भी बढ़ा पाओगे और तेज गति से भी दौड़ पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टेमिना क्या होता है। दोस्तों, किसी भी काम को ज्यादा देर और लंबे समय तक करना, बिना थके करना, उसे बोलते हैं स्टेमिना। और किसी भी काम को करने में हम बहुत जल्दी ही थक जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्टेमिना की कमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट 8 टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप अपने स्टेमिना को बढ़ा पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम पहले टिप की ओर। पहला टिप ये है कि मान लीजिए आपने कल ही रनिंग को स्टार्ट किया है, तो आपको क्या करना, अपना छोटा टारगेट रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले दिन आपको 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, मैं बस ये कहूंगा कि आप अपना छोटा टारगेट रखिए, मान लीजिए 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, लेकिन उस टारगेट को आप स्लोली स्लोली पूरा करिए। बीच बीच में आप रुक भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उस वर्कआउट को आप पूरा करिए। जैसा कि आपने सोचा है कि आज मुझे 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, 3 किलोमीटर दौड़ना है, तो उस लक्ष्य को आप पूरा करिए। दोस्तों, सेकंड नंबर की टिप ये है कि आपको अपने वर्कआउट में, यानी आपको वीक में 1 या 2 दिन अपने वर्कआउट में इंटरवल ट्रेनिंग को ऐड करना है। इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब होता है स्लो फास्ट। आपको क्या करना है, घड़ी लगा के भी आप इसे कर सकते हो, यानी 10 सेकंड आप स्पीड में दौड़ सकते हो, 10 सेकंड आप स्लो स्लो दौड़ सकते हो। तो भाइयों, कुछ इस तरीके से आपको वीक में 2 बार करना है और ये वर्कआउट आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक जारी रखना है। अगर आप इस तरीके से वर्कआउट को करोगे, यानी इंटरवल ट्रेनिंग वीक में 1 या 2 बार करोगे, तो इससे भी आपका स्टेमिना और स्पीड ग्रो होगी। दोस्तों, तीसरे नंबर का टिप ये है कि आपको अलग अलग जगह ट्रेनिंग करना है। अलग अलग जगह मतलब हो गया कि आप 2 दिन ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हो, 2 दिन हील या पुल रनिंग कर सकते हो, या फिर 2 दिन आप स्टेयर रनिंग भी कर सकते हो। अगर आप स्टेयर रनिंग पे फोकस कर रहे हैं, आप स्टेयर देखा होगा आपने, कुछ इस प्रकार होता है, आपको इस तरीके से फास्ट जाना है, कुछ इस तरीके से स्लो स्लो आना है। कुछ इस तरीके से आप स्टेयर वर्कआउट को आप 20 से 25 मिनट करते हैं, स्लो स्लो भी करते हैं, तो आपका स्टेमिना बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, चौथे नंबर का टिप है डाइट, यानी कि स्टेमिना का सीधा रोल होता है एनर्जी से, और एनर्जी आपको किससे मिलती है, डाइट से। तो दोस्तों, आपको अपने डाइट में ज्यादा प्रोटीन फूड्स का इस्तेमाल करना है, ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना है। अगर आप डाइट के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डाइट पे बना दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम पांचवी टिप की ओर। दोस्तों, पांचवे नंबर का टिप ये है कि आपको ग्रुप में दौड़ना चाहिए। ग्रुप में एक से एक बढ़कर लड़के होते हैं, धीरे दौड़ने वाले भी होते हैं और तेज दौड़ने वाले भी होते हैं। अगर आप तेज दौड़ने वाले लड़कों के साथ लगोगे तो आपका जो जुनून है वो भी मोटिवेटेड होगा और आप उनको देखकर बहुत ज्यादा तेज भी दौड़ोगे। अगर आप उनके साथ वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी आपका स्टेमिना बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, इसलिए आप ग्रुप में प्रैक्टिस करें। दोस्तों, 6 नंबर का टिप ये है कि आपको सांस लेने का सही तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको ये प्रॉब्लम होती होगी, यानी जब आप शुरुआत में रनिंग करने के लिए जाते हैं तो आपकी जो सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है वो कॉमन समस्या है, यानी शुरुआत में सभी का सांस फूलता है। तो सांस लेने का सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या, जब आप शुरुआत में रनिंग करते हैं तो आपको नाक के द्वारा सांस को लेना है और नाक के द्वारा इसे छोड़ना है, लेकिन जब आपको लगने लगे कि मेरी बॉडी थकने वाली है तो उस समय आपको रुकना नहीं है, आपको नाक के द्वारा सांस को लेना है और मुंह के द्वारा उसे छोड़ना है, लेकिन फिर भी आपको रनिंग करते रहना है। फिर आपको लगने लगे कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थकने वाली है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, मुंह के द्वारा सांस को लेना है, नाक के द्वारा उसे छोड़ना है। कुछ इस तरीके से आप सांस लेते हैं तो आपको बिना थके कि आप लंबी दौड़ तक आसानी से दौड़ पाएंगे और सांस फूलने की जो समस्या है वो नहीं होगी। दोस्तों, 7वें नंबर का टिप ये है कि आपको पानी 5 से 6 लीटर रेगुलर पीना है। अगर आप 5 से 6 लीटर रेगुलर पानी पीते हैं तो आपको जो गला सूखने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और आपका जो बॉडी है वो भी आपका खुला रहेगा, खुला खुला महसूस होगा, बॉडी टाइट नहीं होगी, आपको अगले दिन आपको रनिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, इसलिए आप रोजाना 5 से 6 लीटर जरूर पानी पिए। दोस्तों, 8वें नंबर का टिप ये है कि आपको 7 से 8 घंटे की रोजाना नींद लेनी है। नींद लेने से आपका क्या होगा कि अगर आप प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में नींद लेते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी बूस्ट होगा, जो आपके स्टेमिना बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और दोस्तों, अगर आप वर्कआउट करके आते हैं और थोड़ा देर आप रेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी को आराम देते हैं, तो उस समय भी आपके जो टेस्टोस्टेरोन आराम है वो भी बूस्ट होंगे, तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स होंगी अच्छी तरह। तो भाइयों, आप अगले दिन आप वर्कआउट करने जाएंगे तो उस समय आपको थकान महसूस नहीं होगी,
तो मेरा मानना यही है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद अगर रेगुलर लेते हैं तो आपको स्टेमिना बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसलिए 7 से 8 घंटे जरूर नींद लें। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी 8 टिप्स को आप रेगुलरली फॉलो करते हो, सही ढंग से फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 20-21 दिन में स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों, अगर आप डाइट के ऊपर फुल और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर 100+ कमेंट आते हैं तो हम डाइट का फुल वीडियो बनाएंगे, और गारंटी के साथ कहते हैं उस डाइट से आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी जो रनिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और उसमें हम आपको सस्ता डाइट प्लान बताएंगे, होममेड डाइट प्लान बताएंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे कुछ और अच्छा लेकर। अब हमें दीजिए जाने की इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।